तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अगर आप लिनक्स लिनक्स डेबियन बेस जो काली लिनक्स है अगर आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर ऐसे ही कोई भी जो पेन टेस्टिंग ओएस है अगर आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा तो रियलिटी में आप हैकर बन जाइएगा या नहीं। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि आज के ज़माने में हर कोई चाहता है सिक्योरिटी। हर कोई, हर एक कंपनी जो है सिक्योरिटी पर करोड़ों लाखों अरबों रुपया खर्च करता है। अगर गूगल जैसा बड़ा कंपनी है तो कह सकते हैं अरबों रुपया खर्च करता है। इतना जब पैसा खर्च करता है वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, तो आप अकेले किसी एक छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन की मदद से क्या उसको हैक कर लीजिएगा? सिंपल सी बात है, नहीं होगा। तो बेसिकली कहेगा ये वीडियो बस एक मतलब गाइड है आपको कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे ना भागे कि यार आप जो है सो कल काली लिनक्स इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आप जो है सो हैकर बन जाइएगा या ऐसा ही कुछ। आप एक बार किसी का फेसबुक अकाउंट जो है सो उड़ा दीजिएगा और उसके बाद जो है सो आप उसका पासवर्ड उसका सब जो है सो हैक कर लीजिएगा, उसका मैसेज पढ़ लीजिएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भूल जाए। क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है सो फेसबुक खर्च करती है अपने वेबसाइट को बढ़िया बेहतर बनाने के लिए और साथ में सिक्योर रखने के लिए। तो बेसिकली कहने का मतलब कि ये इम्पॉसिबल हो जाता है किसी के लिए भी कि उसकी सिक्योरिटी को भेद के मतलब बेसिकली किसी का अकाउंट हैक कर ले। ठीक है, आप नॉर्मल हैकिंग आपको कहना आपको जो है सो अगर आप हैकिंग सच में आप बहुत बड़े हैकर हैं तो दोनों तरफ से आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। पहला है कि मतलब आपको प्रोग्रामिंग बहुत ज़बरदस्त आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, वेबसाइट के बारे में बहुत ज़बरदस्त ज्ञान होना चाहिए। और इतना ज़बरदस्त ज्ञान होने के बावजूद भी आपको हैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि आप ही के जैसा कोई इंटेलिजेंट आदमी जो है फेसबुक को सिक्योर करने में लगा होगा किसी कोने में। ठीक है, तो आप उससे आगे कैसे निकलेंगे जो ऑलरेडी हर समय 24 घंटे पैसे लेके काम कर रहा है कि फेसबुक और ज़्यादा सिक्योर बनाए ढूंढे कि कैसे फेसबुक में फ्लॉज आ सकते हैं, उसको जो है सो मतलब और ज़्यादा कैसे करके सिक्योर बना सकता है। तो ऐसा अगर कोई आदमी करता तो क्या आप ऐसी चुटकी बजाइएगा, किसी ओएस को इंस्टॉल कीजिएगा और फटाक से पेंटेस्टिंग टूल पे मारिएगा, फटाक से जो है सो आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हालांकि बहुत से इंडियन जो मतलब इंडियन क्या बोलते हैं उसको जो है इस बात वीडियो बना रहे हैं काली लिंक से ये हैक कर लो, काली लिंक से वो हैक कर लो, ये कर लो वो कर लो, तो ऐसा बना रहे हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर रियलिटी की बात करें तो नहीं है कि आप कोई भी चीज़ ऐसे ही हैक कर लीजिएगा। हाँ, कह सकते हैं जो पुराना है, बहुत पुराना हो गया, सालों साल पुराना हो गया, जिसमें कोई सिक्योरिटी जो है सो मतलब ऐड नहीं किया गया है, बहुत सालों से उसको मतलब इम्प्रूव नहीं किया गया है, ऐसे चीज़ को आप छोटे मोटे ऑपरेटिंग सिस्टम जो जैसे कि काली लिनक्स है उसमें ऐसा टूल है कि आप उसको हैक कर लीजिएगा। फिर काली लिनक्स बना क्यों? तो बेसिकली काली लिनक्स जो है सो बना जो हैकर्स होते हैं, जो पेन टेस्टर्स होते हैं, हैकर्स वाइट हैट हैकर जो पेन टेस्टर्स होते हैं, जो जनरली किसी कंपनी की सिक्योरिटी का काम करते हैं, उसमें सेंध लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे करके उसको हैक करें ताकि उसका वेबसाइट सिक्योर हो सके। तो ये उन लोगों के लिए है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो जो है सो इसमें बहुत सारा पेन टेस्टिंग टूल पहले से दिया गया है और बहुत सारा पेन टेस्टिंग टूल आप खुद से प्रोग्राम करके खुद से बना सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे रास्ता निकालेंगे तो जो बेसिकली हैक हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? हाँ मैं तो इसीलिए जो है सो बेसिकली संभव नहीं है कि आप जो है सो मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है सो यूज करके आप किसी चीज़ को ऐसे ही हैक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ से दूर रहिए। अगर आप क्यूरियसिटी मतलब क्यूरियस थे कि मतलब आखिर कैसे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से हैक होता भी है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं और हाँ भी, दोनों है। पुराना अगर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सिस्टम है, तो आप उसको मे भी हो सकता है हैक कर लेंगे। नया जो है अगर जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, तो इसको हैक करना भूल जाइए, ये इम्पॉसिबल है, इसको हैक नहीं किया जा सकता, लगभग नामुमकिन है। और नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आप बहुत बड़े प्रोग्रामर हैं या मे बी फ्यूचर में हैकर बनना चाहते हैं, वाइट हैट हैकर के तौर पर करियर बनाना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। बेसिकली उसे बहुत सारे पेन टेस्टिंग टूल दिए गए हैं जो कि नॉर्मल काम करते हैं
उन टेस्टिंग टूल का भी जो है कोई तोड़ निकाल के जो है अपने वेबसाइट को सिक्योर कर सकता है। जो बेसिकली आप नया कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसको आप जो है उसमें बहुत सारे पेन टेस्टिंग टूल दिए गए हैं, तो उसकी मदद से जो है सो आप उसको सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप ये भूल जाइए कि आपसे फेसबुक हैक हो जाएगा अगर आप काले लिनक्स से इंस्टॉल कर लीजिएगा तो, ठीक है। लेकिन आप अगर आप कोई अपना वेबसाइट बनाते हैं, छोटा मोटा बिगिनर्स लेवल का कोडिंग करते हैं, तो बेसिकली आप उससे टेस्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट को कि मेरे वेबसाइट में कोई फ्लॉ है या नहीं। बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो बड़े बड़े हैकर्स को जो है सो हायर करती है इस काम के लिए, तो वो सब एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा उन लोगों को पता होता है इस फील्ड के बारे में। तो बेसिकली उनका जो है सो काम उसी पर छोड़ दीजिए, आप जो है सो नहीं मतलब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे भागिए। हाँ, लेकिन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए छोटा मोटा जो है वाईफाई क्रैकिंग ये सब जो होता है लो सिक्योरिटी वाले जो चीज़ होते हैं उसको किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है सो बड़े हैकर बन जाइएगा अगर आप अपने सिस्टम सॉल्व कर लीजिएगा। तो 6 मिनट हो चुके हैं, तो इस वेबसाइट इसको सिंपल से समाप्त करते हैं कि आप नहीं हैकर नहीं बन सकते हैं अगर आप चाहिएगा कि फेसबुक बहुत बड़ा चीज़ हैक कर ले, गूगल हैक कर ले, तो ऐसा संभव नहीं होगा, सॉरी इसके लिए, लेकिन यही रियलिटी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।